हरि ओम ओम वांग में मन से प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठित आविर्आविर्मे थी वेद से मनी स्थ श्रुत मे मा प्रहासी अनेनाधीतेनाहोरात्र सन्दा ऋत वदिष्या सत्यम वदिष्या तन्मा अवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम अवतु शांति शांति मूर्ति रत करके जो है हम लोग देख रहे थे तो तृतीय मंत्र से दसवां मंत्र को इकट्ठा करके जो है दे दिए है यहाँ पर जो है भाष्य इकट्ठा करके ही दे रखे हैं और दीपिका में जो है वो अंतिम एक चरण को छोड़ के बाकी सबका एक बार व्याख्या और अंतिम चरण को एक बार व्याख्या करके जो है दो विभाग में कर रखे हैं हम लोग दोनों के एक ही साथ ले लेंगे यहाँ पर मंत्र तदेन अभिश्रष्ट अत्यजिगत तत्वात् जिघा जिघृक्षत् तत् न अशक्नोत् वाचा ग्रहीतुं अभिव्याहृत्य ह एव अन्नम् अप्रप्स्यत अप्राणेन अजिघृषत् अजिघृक्षत् तन्नशक्नोत् प्राणेन गृहीतुं स यत् ह एनं प्राणेन अग्रहिष्यत् अभिप्राण्यह एव अन्नम् अत्रप्स्यत् तत् चक्षुषा अजिघृक्षत् तन्न अशक्नो चक्षुषा गृहीतुं स यत् ह एनं चक्षुषा अग्रैष्यत् दृष्ट्वाह एवं दृष्ट्वाह एव अन्नम् अप्रप्स्यत् तत् श्रोत्रेण अजिघृक्षत् तन्न अशक्नोत् श्रोत्रेण गृहीतुं स यद् एनं श्रोत्रेण अग्रैष्यत् श्रुत्वा एव अन्नम् अत्रप्स्यत् तत् त्वचा तन्न अशक्नो त्वचा गृहीतुं सह्यत् सयद् ह एनम् एनत् त्वचा अग्रहिष्यत् स्पृष्ट्वा एव अन्नम् अत्रप्स्यत् तन्मनसा झृक्षत् तन्नशक्नोत् मनसा गृहीतुं यद् ह एनम् मनसा अग्रहिष्यत् ध्यात्वाह एव अन्नं अत्रस्यत तत् शिष्णेन अजक्षत तन्नशक्नोत् शिष्णेन गृहीतम् स यध एनसिष्णेन अज्ज गृहिष्य अग्रैष्यत विसर्ज्यह एव अन्नमत्रस्यत तत अपानेन अजक्षत तत आवयत शैशो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुर् अन्नायुर्वायै यद्वायुः बार बार एक विषय जो है दोहरा रहे हैं तो यहाँ पर विषय क्या है पहले उसका पूर्व पिटिका हम जो देखे थे उसको याद कर लेंगे ये जो लोक लोकपाल का सृष्टि कर दिया उनके लिए स्थान दे दिया और उनके लिए अन्न भी बना दिया अभी अन्न को खाना है ये लोग तो तद एनत तद तद एनत वो जो एनत एनत मतलब अन्न तो उस अन्न को क्या है अभि जिसको सृष्टि किया है जो सृष्टि किया हुआ जो अन्न है अति अति क्या है है वो जो जो सृष्टि को किया हुआ अन्न हम लोग बीच में जो है कुछ समझ लेना चाहिए ये जो अन्न लिए सृष्टि किया है किसी को भोगने के लिए किसी को खाने के लिए तो हम लोग प्रयोग तो करते हैं आ बैल मुझे मार करके मार थो, थोड़ी वहां पर बैठ के हम लोग इंतजार करते हैं तो वैसा जो है ये सृष्टि किया हुआ अन्न इसमें दो विभाग कर दिए हम लोग पहले से ही एक चारा दूसरा अचर चर रूपी अन्न जो है ये जो खाने वाला को देख के अत्यजिगत तुरंत वहां से भाग गया है तो अति अजिगत तद वाचा अजिक्षत तब जो है वो जो दौड़ रहा है उसके पीछे ये जा जाके बाघ जो है जाके उसको ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति किया अजीत समझी आगे जो प्रश्न है चेतन बाद में प्रवेश प्रवेश का तो ये बिना चेतन के प्रवेश हुए ये सब ये, ये, तो ये, ये, ये मुझे बोलना था आप प्रश्न पूछ रहे हो कल भी सही हो क्या है ये यहाँ पर एक मुख्य विषय हम लोग जो है सोचने समझना है पर कल का भी जो है विषय ये 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 जो है लेके आना पड़ेगा क्या है पहले से हम लोग यहाँ तक ये प्रवेश के बारे में जो है इतना मुख्यत्व दे रहे और कहाँ से जा रहे हैं प्रवेश प्रवेश तो आप पढ़ लिए होंगे प्रवेश कहाँ से जा रहा है जगह तो ढूंढा है ना कहाँ ढूंढा है पैर से नहीं सिर से गया है सिर से यहाँ गया है सिर से हमेशा सब जगह पे जा रहा है क्या ये जो पैर से जो है इस द्वार से जाऊंगा बोल के जो है एक और स्थान में बताया भी है मतलब प्रवेश ये सिर से जाएगा या पैर से जाएगा उंगली से जाएगा तो इसमें हाँ ये जो है हम लोग इसका व्याख्या <laughs> करके जो है बताना पड़ता है है ना तो ये क्या है इसमें तात्पर्य नहीं है बात इतना ही है इसमें जो है कोई तात्पर्य नहीं है तो यहां पर भी जो है ये एक काल्प का काल्पनिक विषय मात्र है जैसा जो है ये आ, देवताओं में चेतन शक्ति तो हो सकता है एक और बात हम लोग क्या कल जो है भोक्ता को क्या बताए थे भोक्ता का जो लक्षण क्या देखे थे जीवस्य से भोक्तृत्व नहीं भोक्तु हाँ क्या उपाधि दिए थे हम लोग उसको भोक्ता उपाधि क्या है हाँ, भोक्तृत्व स्वतो भोक्तृत्व मतलब वस्तु अभोक्तृत्व ब्रह्म भूत स्वतः भोक्तृत्व तस्य भोक्तृत्व ठीक है इंद्रिय अभी इंद्रिय और देवता इंद्रिय भी है और देवता भी है उसमें चेतन भोक्तृत्व किस बात की है भोक्तृत्व मतलब क्या है आगे जाइए थर्टी वन में पेज थर्टी वन पेज में जो है नीचे से द्वितीय भाष्य कृता कृत फल साक्षी कृत कृता, फल साक्षी कृत कृता, फल साक्षी भूतना मतलब क्या है कृत अकृत फल से उसका अर्थ तो बता दिए उसको तो छोड़ दीजिए हमें उसका कोई लेना देना नहीं है अगला जो है उसको देखिए फलसाक्षित साक्षी भूत मतलब फल साक्षित्व एवं भोक्तृत्व फल का साक्षी ही भोक्ता यहाँ पर भोक्ता मतलब जाके जो उसको अनुभव करने वाला नहीं है तो यहाँ ये सब जो है हम लोगों को ये, ये प्रश्न ही कहाँ से उठ रहा है इसमें चेतनत्व नहीं है अभी आगे चेतनत्व आएगा फिर एक और बार हम लोगों को याद दिलाना है ये जो है हम लोगों को सृष्टि से दृष्टि हो रहा है सृष्टि में दृष्टि हो रहा है उसके दृष्टिकोण से हम लोगों का ये प्रश्न यहाँ पर कोई नियम आप जो है चुन नहीं सकते हैं स्वप्न है ये स्वप्न में नियम कोई चुन नहीं सकते हाँ कोई जो है सामान्य कुछ, कुछ कुछ नियम को जो है हम लोग स्वीकार तो करेंगे ही मगर जो है उस नियमानुसार ही जाएगा कोई नियम नहीं है उसके क्योंकि अचानक हम लोग तो देख रहे हैं अचानक जो हाथी घोड़ा बन जाते घोड़ा हाथी बन जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये एक बहुत मुख्य विषय है इसलिए मैं भी सोच रहा था कि ये क्यों जो है आगे ही जो है जीव जाने वाला है यहाँ पर एक ऐसा इसको जो है बताना है ये विषय यहाँ ऐसा है तो जीव यद्यपि प्रवेश करेगा और जीव क्या है प्रवेश करेगा मतलब प्रवेश किस कौन कर रहा है स्वयं ही कर रहा है स्वयं ही कर रहा है जैसा यहाँ पर बताए थे अभोक्तृत्व स्वतः अभोक्तृत्व स्वतः अभोक्तृत्व अभोक्त मतलब प्रवेश क्या हो रहा है चीज़ वहां पर एक जो है वो भोगता नहीं है तो किस लिए प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश करने का दो ही कारण है एक व्यवहार के लिए दूसरा मोक्ष के लिए ठीक है अभी प्रवेश किस लिए कर रहे हैं? दो चीज के लिए तो हम लोग जैसा जो है हर एक फलश्रुति में भुक्ति मुक्ति प्रदा प्रदा है ना तो भुक्ति मुक्ति प्रदा देवता ऐसा इत्यादि करते हैं भोग और मोक्ष के लिए ही जो है प्रवेश है पहले से ही मैं बंधन में नहीं था है ना मुझे मोक्ष का जरूरत नहीं है पहले से पहले से नहीं है बाद में भी भोग तो करने वाला नहीं हूं फल तो में भोग तो, तो बाद में भोग भी नहीं करने वाला हूं तो यहाँ प्रवेश किस लिए कर रहे हो पहले मुझे अ, मतलब उ, मैं जो है मुक्ति था बंधन कभी नहीं था तो प्रवेश का जरूरत नहीं है मोक्ष के लिए प्रवेश का जरूरत नहीं है दूसरी बात भोग तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि मैं भोगता नहीं हूं पहले भी और बाद में भी तब उसके लिए दोनों ही कारण है प्रवेश के लिए दोनों ही कारण जो है है तो इसलिए यह सब जो है एक काल्पनिक विषय है मतलब उस इंद्रिय बात कर रहा है इंद्रिय देवता बात कर रही है यह तो दूसरी बात है इंद्री बात कर रहा है हा? जो है बात कर रहे तो भी ठीक है पीछे से सब जो है बात कर रहे मतलब ये कहा जो है काल्पनिक में गड़े का ही नहीं है ये सब तो इसलिए हम लोग क्या है इसको एक सपने में, सपने में कुछ भी घट जाएगा तो हाँ, वो स्वप्न को लेके आके यहां जो है ये प्रातिभाषिक रूप हम लोग जो इसको देखने से सब घट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी हो सकता है क्यों बात नहीं कर सकते इंद्रिय और देवता साथ साथ रहने से ही जो है सब ठीक ठाक होगा तो इसलिए जो है ऐसा देखना पड़ेगा नहीं तो जो है ये जो प्रश्न अनिवार्य है ये प्रश्न अनिवार्य है क्योंकि यहां पर भी भोक्ता ही नहीं हुआ है और दूसरा बात क्या है भोक्ता कौन है भोक्ता वो जो चिदाबास जो प्रवेश करने वाला वो नहीं है सामान्य हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं चिदाभास भोक्ता अभी वो नहीं है यहाँ पर यहाँ पर भोक्ता कौन है ये जो इंद्रिय देवता का उपाधि को बता रहे मतलब सबको जो है आप एक नया दृष्टिकोण से देखने का आदत डाल देना चाहिए यहां पर बहुत ही विचित्र विषय है हम जितना जो है अभी तक समझे है वेदांत में उसको जो है थोड़ा अलग करके नया जो है दृष्टिकोण है ये वैसा देखना चाहिए इसको पुराना दृष्टिकोण से समझा सकते हैं हमारा क्या फायदा है इसमें जो असली जो 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 बात है जो बात कही गई है वो छूट जाएगा जैसा जो है रमन महर्षि का को हम पुस्तक को जो है को हम और उसके आधार पर जो उन्होंने जो भी बताया उपदेश सार, उसको सब जो है आप यदि ये त्रैतवाद के आधार पर सिद्ध करने के सिद्ध करने में लगे तो प्राय वही करते हैं तो उनका सिद्धांत नहीं है वो सो सिद्धांत नहीं है तो यही यहाँ पर भी इसलिए वही को हम भगवान रमन मार्सी जो प्रश्न पूछते हैं ये भगवान का स्पेशल है बोलके जो बताते हैं स्पेशल नहीं है यहाँ से आया है तो को हम? तो इसलिए ये दृष्टिकोण जो है उस दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण सब जो है एक ही पटरी पे जाने वाला ट्रेन है तो इसको एक एक भिन्न जो है माइंड माइंडसेट से हम लोग यदि देखेंगे तो मनोभाव से देखेंगे तो ये अर्थ और भी ज्यादा होगा इसमें तो क्या बता रहे हैं तद एनत अभिश्रष्टम परा अति सत ये जो अन्न को मतलब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये इंद्रिय जो है इंद्रिय जो है उसमें प्रवेश नहीं किया चेतनत्व तो। देवता को छोड़िए मैं देवता के बारे में नहीं कह रहा हूँ इंद्रिय में जो है देवता भी चेतनत्व तो प्रवेश नहीं किया तो वो कैसा ये प्रश्न के पहले प्रश्न होना चाहिए परिघ ये जो अन्न वो भाग रहा है कहाँ से भागेगा उल्टी, <laughs> उल्टी दिशा में हाँ उससे भाग रहा है वो अन्न तो इसलिए वो जो आग भी नहीं रहा रहा है है बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब, आगे कहीं हाँ तो यही बात है तो वही तो बात है ना <laughs> तो कौन सा अन्न जो है मुझे खाओ बोल के शेर हमारा सामने रहने से मैं तुम्हारा अन्न है भाई तुम जो है मुझे खा लो थोड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे उसको नहीं दौड़ के वहां से जो है जगह खाली कर देंगे तद्वाचा तब जो है उन्होंने वाक से जो है उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया तो वाक क्या किया उसको पकड़ लिया तन्नाशक्नोत वाचा ग्रही तुम वो जो है वाक से ग्रहण करने के लिए शक्त नहीं हुआ अशक्नोत उससे जो है बना नहीं है शकल रु धातु है शक्ल रु शक्तो धातु है तो उससे वो पकड़ा पकड़ नहीं पाया तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ विषय जो है तत् अधिक्षत अशक्नोत ग्रही तुम ये सब जो है अंतिम तक आएगा तो आगे यहाँ पर भी जो है स यद हद वही है स यद ह वो उस अन्न को यदि यद यदि प्राणेन ग्रहिष्यत वाचा ग्रहिष्यत वाक से ही ग्रहण कर दिया यदि होता तो वैसा होता तो अभिव्यात उसको जो है बोल के ही मतलब दोसा तृप्ति हो जाना चाहिए दोसा का खाने का जरूरत नहीं है बोलने का ही साफ काफी है बोलने से ही काफी हो जाते मतलब वो जो है तृप्ति हो जाता है तृप्ति कहा बल्कि <laughs> जो है अभी दोसा के याद लाने के बाद जो है भूख और बढ़ जाता है तो ह एव अन्न अतृप्यत इसलिए हुँ. जो है वो कह रहे अभिव्याहृत्य है एवं अन्नम अतृप्यत तो अभी भी जो है वो तृप्ति हो जाता है तृप्ति तृप त्रप, त्रपस्यत अतृप्यत तृप्ति हो गया होगा तो वैसा तो नहीं हुआ है बोल के ही जो है तृप्ति को ही नहीं प्राप्त करते हैं इसलिए अभी इससे काम नहीं बना तुम हटो भाई मैं अभी देखता हूँ इति तद प्राणेन अधिक्षत प्राण जो है उसको ग्रहण करने के लिए प्राण मतलब पहले भी बताया था प्राण प्राण नहीं है ये जो घ्राण इंद्रिय यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं तो घ्राण इंद्रिय तो घ्राण इंद्रिय क्या किया था उसको पकड़ने के लिए करके सूंघ के जो है पकड़ने के लिए कोशिश किया तन्न अशक्नोत प्राणी न प्राण से ग्रहण करने के लिए उसमें सामर्थ्य नहीं बना तो यदि स यद स एन प्राणी न ग्रहीष्य सुंक ही जो यदि वो ग्रहीन ग्रहित हो गया तो अभिप्राण्य है व अन्न मतृप्यत हम लोग सब जो है सुंक के ही तृप्ति हो जाते हैं अन्न को अन्न को सुंक के तृप्ति हो जाते हैं तो उससे भी नहीं बना तो ठीक है हटो तृतीय तीसरा इंद्र तच्च तच्चुषा अजिक्षत तो तीसरा जो है आंकों से जो है उसको ग्रहण करने के लिए इंद्रियों से आंख इंद्रियों से उसको ग्रहण करने के लिए जो है उसको देखा था तन न शक्नो चक्षुषा ग्रही तुम तो यहाँ पर उसको जो है चक्षु से ग्रहण करने के लिए नहीं हुआ तो उसीलिए यहाँ पर क्या है इंद्रिय से अन्न अन्न को देखना और अन्न को देखने से जो तृप्ति मिलता है वो दूसरी बात है मगर यहाँ जो है आधारभूत ये अन्न किस लिए बनाए है अन्न तृप्ति के लिए बनाए थे अन्न तृप्ति के लिए बनाए मतलब वो तो तृप्ति एक बा, एक बार तो हो रहा है एक प्रकार का तृप्ति तो हो रहा है मगर पूर्ण तृप्ति क्या है भूख तो वो तो मिटता ही नहीं है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं नहीं तो जो है वहां पर भी एक प्रश्न उठना चाहिए देखने से थोड़ा तृप्ति हो जाता है कल ही तो बताया था गौर में चर्चा छ इंद्रियों का जो है सब पांच इंद्रियों का सब जो है वो अन्न हो जाता है बोल के तो वैसा नहीं है स ये एनत तो इस अन्न को जो है आंखों से ही यदि गृहित कर दिया होता तो अभी देख के ही हम लोग सब जो है तृप्ति प्राप्त कर देते हैं अन्न को देखते ही तृप्ति प्राप्त कर देते हैं आगे श्रोत्रेण न खानों से जो है उसको ग्रहण करने के लिए कोशिश किया सुन के मगर उससे ग्रहण नहीं कर पाया यदि वो ऐसा अन्न को जो है सुन के ही ग्रहण कर दिया होता तो अभी भी जो है वो हम लोग सुन के ही तृप्ति प्राप्त हो जाते हैं सुन के ही अन्न के बारे में सुन के ही प्राप्ति हो जाते हैं तो आ, आ, आगे यदि तो उसके बाद जो जो है त्वक से जो है से स्पर्श करके हम लोग उसको ग्रहण करने के लिए कोशिश किए स्पर्श करके स्पर, हाथ से ग्रहित करके नहीं है स्पर्श करके के तो के तो नहीं हो रहा था तो यदि वो ऐसा के ही जो है वो अन्न को ग्रहित कर दिया होता तो आज भी हम लोग जो है उसको स्पर्शन करने से ही तृप्ति प्राप्त हो जाते हैं तो उसलिए वो नहीं होता है तब मन अजृक्षत तो मन से ध्यान करके जो है उसको ग्रहण करने के लिए कोशिश किया उससे नहीं हो पाया यदि मन से ही ग्रहण करके ध्यान करके जो इसको ग्रहण करने का जो है स्वभाव तभी होता हो तो हम लोग जो है अभी खाने के लिए पीने के लिए जो है दौड़ने का जरूरत ही नहीं है आंख बंद करो ध्यान करो और जो है तृप्तिपालो तो तच्चिश्नेन अधिकछत तो उसको जो है क्या है अपना जननेन्द्रिय से जो है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश किया मगर वो जो है प्राप्त नहीं हो हुआ।, हुआ तो यदि ऐसा होता तो विसर्ग करके ही मतलब उसको निवृत्त करके ही रहता से आदि जो निवृत्त करके ही जो है अनुप्राप्त कर देता तो त तो अपानेन अधिकछत उसके बाद अपान अपान से एक-एक विषय जो है यहां पर यान करना है न अपान अपान इंद्रिय से अपान इंद्रिय अपान अपान यहां पर जो है हम लोग सामान्य वहां पर जो है देखे थे यहाँ पर क्या है अपान अपान जो है प्राण का संबंधित मतलब गुध इंद्रिय संबंधित मतलब क्या है नीचे धकेलने वाला तो नीचे धकेलने वाला हर एक स्तर पे भिन्न बिन भिन्न होता है पेट से नीचे धकेलने वाला एक है दूसरा जो है गला से पेट में नीचे धकेलने वाला तीसरा जो है मुंह से गले गले के अंदर धकेलने वाला ऐसा जो है सब नीचे के और जो भी प्रवृत्ति है उसको यहाँ पर अपान शब्द से प्रयोग किया है नीचे से धकेलने का जो भी प्रवृत्ति है प्राणों का उसको अपान नाम दिया है नहीं तो जो है नाभि के आधा ही जो है अपान ऐसा जो है हम लोगों का शास्त्र में बताया गया है तो अपान से कैसा होता भाई तो आप कल्पना करके जो हैरान हो जाएंगे अपान से ग्रहण करने हैं तो तो ये शब्द का तात्पर्य समझ लेना चाहिए अपान मतलब नीचे के और जो भी दकेला जाता है उसको यहां पर अपान कहते हैं बस तद सो मतलब ये ये सिर्फ जो है सिर्फ अन्न के बारे में बता रहा था गले से इत्यादि तो प्राण भी तो जो नीचे की ओर जा रहा है अंदर आ रहा है मतलब अंदर आ गया तो उसको नीचे की ओर अपना जो है लंग्स इत्यादि में जो है प्रवेश करने के लिए नीचे की ओर दखेल नहीं नहीं किया तो तो यहां तक की सीमित हो जाएगा मतलब आप जो है सांस नहीं ले रहे आपका लंग्स को जो है पूरा नहीं कर रहे तो ये बात हो जाएगा इसलिए अपानेन अपानेन मतलब नीचे की और जो भी जो है वायु जा रहा है वह तो अधिक तो उसको जो है ग्रहण करने के लिए कोशिश किया अब ये भी नहीं तद आवयत उसने कर दिया उसने ग्रहण कर दिया अभी अन्न से ग्रह है तो यही जो है अन्न को ग्रहण करने वाला है ये, हु, अन्नायु हु, वा एश, ये, ये जो वायु है इसको अन्नायु अन्न से जो है ये वर्धित होता है इसलिए और अन्न से ही जो है ये सिद्ध हुआ है इसलिए उसको अन्नायु कहा है अन्न से ही आयु का जो है सिद्धि प्राप्त होता है इसलिए अन्नायु वो वायु को ही अन्नायु कहा है आ, ने, टीका नहीं वो वो टीका नहीं है ये दीपिका टीका दीपिका तो ही कह पड़ेगा पहले पेज नंबर दस नीचे बहुत से श्लोक है ऊपर तो दस पेज नंबर ऊपर जो है एक पंक्ति पढ़ना है यहाँ उसके बाद नहीं 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 यहां पर यह जो नीचे श्लोक है उसके ऊपर जो पंक्ति है उसको पढ़ना है उसके बाद पृष्ठ में चले जाएंगे अन्न सृष्टि मुक्त अन्वय व्यतिरेगाभ्याम साधन होती अन्न के बारे में तो बता दे अभी अन्वय और तच्चते, 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 तद तद दबाव है। तो ऐसा करके जो है हम लोग उसको मतलब ये हो तो वो जो है ग्रहित हो जाएगा ये नहीं हो तो वो ग्रहित नहीं होगा ऐसा करके जो है हम लोग अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध करना है किसको उसका वो अन्न का जो है स्वीकार साधनम कौन जो है उसको स्वीकार कर सकता है उसको ग्रहित कर सकता है उसको निश्चय करने के लिए यह श्लोक ठीक है अभी ठीक है 11वां प्रश्न यद सृष्टिम अन्नम वृहियादिकम मोषार् मोशकादिकम च तत्र वृहियादि अन्नस्य स्वकीय वध विषये विवेक ज्ञान अभावत गन्तुम जनात पलायन यदि प्लेट में जो खाना रखे वो भी दौड़ के जाने लगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का तो है, है। मतलब सब अन्न दौड़ना चाहिए ऐसा नहीं चरा चर इसलिए भे, कर दिया हम लोगों को तो उसमें चर जो है वही दौड़ेगा अचर जो है वो नहीं दौड़ सकता है तो इसलिए व्रीही आदिकम अन्न क्या है व्रीही आदिम मोशकाधिकम चर चरम च तो उसमें तत्र व्रीहदि अन्न से ये जो अन्न अचर अन्न है स्वकीय वध विषय विवेक ज्ञान अभाव दो विषय उसमें जो है कारण है वो भाग नहीं रहा है एक उसमें बुद्धि नहीं है विवेक ज्ञान नहीं है ये मुझे मारने के लिए खाने के लिए आ रहा है बोल के दूसरा क्या है गंतुम असमर्थत्वाच वो दौड़ने के लिए जो सामर्थ्य भी उनमें नहीं है दो कारण के कारण जो है नास्ति जनात् पलायन जन से वो भाग नहीं रहे है यत्तु मूषकादि रूपम तदन्नम तदेतत मार्जारादीना भोक्तृना स्वद हेतु निश्चित तेभ्य परांग मुखम सद अत्यजिघांसत अतिशयेन हंतुं गंतुं ऐच्छत पलायितुं प्रारभत इत्यर्थः <kling> तो, ये तो रूपा इत्यादि है 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 वो क्या है? वो क्या भी अन्न है। के लिए बिल्ली के लिए भोक्तृना तो वो जो है बिल्ली को देखा है बिल्ली इत्यादियों को देखा है मार्जार आदि बिल्ली इत्यादि को देखा है वो क्या है भोक्तृनाम वो अपने को खाने वाला अपने को भोग करने वाला तो और बोक्ता मतलब ठीक है चाट के वो चले गया तो ठीक है मगर वैसा नहीं होता है हमें मार भी देगा स्वध हेतुत्व उसमें अपना वध का कारण भी देखता है निश्चित करके पराम खम उससे जो है उसके उसके विपरीत दिशा में जो दौड़ने का प्रवृत्ति करता है परामखम सत्यजिघान सत अति अजिघान सत वो जो है बहुत ही तेजी से वहां से भाग गया हंतुम गंतुम गंतुम हंतुम गंतुम मतलब हंतु गंतुम मतलब ये जो है मार देगा इसलिए दौड़ के जाओ बोल के तुरंत वहाँ से भाग गया पलायतुम उद्युक्त तोषकादि रूपम अन्न दृष्ट्वा अभी वो जो भाग रहा है दौड़ रहा है उसको देख के थोड़ी जो है ये खाने वाला भोक्ता मार जा रहा वो चुप थोड़ी रहेगा तो वो क्या कर रहा है ये दौड़ रहा है उसको देखने के बाद मोशकादि दृष्टवा वो मोशकादि अन्न जो है वो दौड़ रहा है उसको देख के भोक्तृवर्ग मार्जारादि उसका भोक्ता जो मार्जारादि क्या है कहे तुम इच्छत उसको वागिंद्रिय से ग्रहण करने के लिए इच्छा किया तथा वागिंद्रिय प्रयुंजानो अभी तेनाली फिर भी यहाँ पर जैसा जो है हम लोग सर्वयत्ना जवेन सर्व जवेन इत्यादि शब्द से जो है केनो उपनिषद में देखे हैं तो वैसा विषय यहाँ पर भी जो है वो मतलब ऐसा नहीं है बिल्ली जबकि जो है पकड़ने के बाद ऐसा खेलने लगता है मारता नहीं है तुरंत बिल्ली जो है चूहा को पकड़ लिया तो पकड़ने तक जो इधर उधर का भाग और जो है दौड़ वो पकड़ लिया तो उसको जो है एक सौ सत्तर फुट के उसको जो है यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भगाने के लिए कोशिश करेगा तुम जाओ मैं उन तुम्हें पकड़ लूँगा ऐसा जो है उसका जो घमंड जो है बहुत ज़्यादा है तो मोशकादि को जो है वो वो दौड़ रहा है उसको देखने के बाद जो है भोक्त क्या मार जा रहा क्या है वाग इंद्रिय इच्छत वाग से उसको ग्रहण करने के लिए कोशिश किया करके तो तथा ह सर्व प्रयत्नेन वागेंद्रियं प्रयुञ्जानोपि तेन तदन्नं गृयितुं न शकनोत् तबी जो जितना भी प्रयत्न उसमें डाल सकते हैं वो पूरा डालने के बाद भी जो है वागेंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाया प्रयुञ्जानोपि सर्व प्रयत्नेन प्रयुञ्जानोपि सर्व प्रयत्न पूरा प्रयत्न जो है हम लोग अंदर से लेके आते हैं पर प्रयोग में उसको छोड़ देते चलो कोई बात नहीं हो गई ये अंदर से प्रयत्न और बाहर से प्रयत्न दोनों जो है पूरा ढंग से है फिर भी वाघ इंद्री उसको ग्रहण नहीं कर पाया मतलब जैसा कराते वाला चिल्लाते या करके यहाँ पेट से जो है आना पड़ेगा क्योंकि वाघ इंद्री के बारे में बात करें ना तो वो जो है वहाँ से आना पड़ेगा तब जो है उसका इसलिए संस्कृत में भी जो है भाषा उच्चारण विषय के बारे में कहते वक्त प्राण को जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो विभाग में कर देते हैं तो ऐसा जो है बहुत कुछ नहीं कर पाया इधानतन उदाहरणे न सृष्टि काली तो शक्ति स्पष्टी आज का दिन जो हो रहा है उस उदाहरण को लेके सृष्टि काल में भी वैसे ही हुआ था वहां पर भी इसका अशक्ति था इसको स्पष्ट करने के लिए बता रहे वर्ग आग सृष्टि काले यदि ये तथा तो मोशकादिप वाचा गृह गृह यदि वो जो भोक्त वर्ग मार्जारादि क्या है सृष्टि काल में ये जो मोशक आदि उसका जो अन्न है उसको वाक से ही यदि गृहित कर दिया होता तो तदा तब क्या है तदा इदानी। तब अभी भी क्या है इदानी अभी भोक्ता तदा वाच के ही शब्द ही भोक्ता क्या है उस अन्न का जो भी नाम है डोसा इडली चपाती रोटी जो भी है उसका नाम बोल के ही जो है वाचक ही अन्न मात्र नहीं है अन्न वाचक ही अन्न नाम तो शब्द ही उसका जो शब्द है ईदृशम इति उक्ति मतलब जो शब्द मतलब मैं तो बोल दिया इडली डोसा बोल के उन्होंने नहीं किया इस प्रकार का ऐसा जो है उस नाम को लेके ही जो है उक्ति मात्र न बोलने से तृप्ति हो जाएगा वो इति ये शब्द ही ईदृश उक्तिमात्रेण तृप्ति भवि नई वाग्रिय अभिधान व्यतिरेक आकर्षण सामर्थ्यम किंचित वागिंद्री को जो है ये जो अभिधान को छोड़ के किसी को आकर्षण करने का सामर्थ्य आकर्षण यहाँ पर जो है ग्रहणम इस अर्थ में समझना चाहिए नहीं तो ए इधर सुनो तुरंत हम लोग आकर्षित हो जाते हैं तो हम लोग आगे दौड़ रहे तो अभी ए एक मिनट रुको तुरंत रुक के जो है पीछे मोड़ते हैं तो आकर्षित तो हो ही जाता है इधर आओ कुछ हाथ पैर हिलाने का जरूरत नहीं जाता है तो वहां आकर्षण तो हो रहा है शब्द से मगर यहां पर आकर्षणम ग्रहणम तो उसको मारने के लिए उसको ग्रहण करना है क्या क्या है अभिधान अभिधान मतलब बोलना उसको छोड़ के अभिधान व्यतिरिका इतना ही वागिंद्रियम अभिधान उसको बोलने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है वागिंद्रिय आकर्षण सामर्थ्यम किंचित नहीं अस्थित्रिय अभिधान व्यतिरेक वाग इंद्रिय को बोलने के अलावा बात करने के अलावा आकर्षण सामर्थ्य जो है नहीं किंचित अस्ति कुछ भी नहीं है अभिधान शब्द जो है हम लोग इसके पहले भी सुने हैं सुनिए है? किस 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 संबंध में याद है ब्रह्म सूत्र से जो है मैं इसके बारे में बता के आ रहा हूं क्या है दो प्रकार का प्रवृत्ति है शास्त्र का एक वाक्य को समझने के लिए एक अनबित अभिधान दूसरा अभिहित अनबिधान अभिधान शब्द वहां देखे थे अभिधान, 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 दो शब्द है। मतलब एक वाक्य है उसको कैसा समझेंगे हम आप जो है मुझसे कुछ हिंदी में बोल रहे और मुझे जो है सब शब्द समझ में नहीं आने वाला है तो मैं उस वाक्य को कैसा समझूंगा तो क्या है एक एक शब्द का जो है अर्थ समझूंगा पहले ठीक है उसमें बीच में कुछ शब्द तो समझ में नहीं आने वाला है तो मैं क्या कर दूंगा उसको ऐसा ही रखूंगा बाकी सब जो जो समझ आ रहा है उसके संबंध में इसको भी जो है लगा दूंगा एक एक शब्द का अन्वय करके उस वाक्य का तात्पर्य निकालना अनवित अभिधान ठीक है एक एक शब्द को जो शब्द समझ में नहीं है उसको जो है कोई चिंता नहीं करने का उसको रख के बाकी सबके अन्वय करके इसको उसके साथ जोड़ देना लिए उदाहरण दिया था पहले बार जब अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ा था वो जो है मुझे आश्चर्यचकित कर दिया तो ये जो आ, दिस नॉलेज गेव शॉट इन हिस आम ऐसा जो है बताया था ये जो ज्ञान उसके हाथ में एक गोली मारा उसका सीधा अर्थ यही है ये क्या है है ज्ञान हाथ में कैसा गोली मारता कंफ्यूज हो गया था बाद में शॉट इन आर्म ये शब्द प्रयोग किया है किसके लिए उसको ताकत दिया बोल के दिखाने के लिए ये ज्ञान उसको ताकत दिया तो यू ताकत दिया गलत हो गया मुझ मेरे अनुमान में मगर ऐसा ही हम जो है एक एक शब्द को जो है समझ के कोशिश करते हैं पूरा वाक्य को समझने के लिए और दूसरा अभिहित अनविदान मतलब ये वाक्य का यही तात्पर्य है हम लोग जो है अभी लगा देते हैं एक वाक्य का यही तात्पर्य है ठीक है सही भोक्त वर्ग आदि सृष्टि काले हम भोक्ता के बारे में कह रहे वर्ग मतलब सब समूह ही होना चाहिए ऐसा एक अर्थ समझते हैं तो ये क्या है अनवित अभी आ, आ, अभी पहले अभिधान उसका जो, जो तात्पर्य वो समझ लिए उसके बाद अन्वय करने के लिए लगे हम लोग तो अभिधान मतलब यहां पर अर्थ क्या है वाक्य का अर्थ या शब्द का अर्थ उसको बोलने का उसका जो है शब्द का उच्चारण करने को जो व्यतिरेक व्यतिरेक मतलब अभाव उससे भिन्न बोलने के अलावा विद अभिधान अभावेन अभिधान अभिधान को छोड़ के क्या है आकर्ण आकर्षण सामर्थ्य सामर्थ्यम न किंचित अस्ति उसको जो है नहीं किंचित को इसके न किंचित नहीं को किंचित अस्ति के साथ अस्ति के साथ संबंध करके समझना है तो उसमें जो है कोई आकर्षण सामर्थ्य है ही नहीं है मतलब ग्रहण करने के सामर्थ्य है ही नहीं है यह तात्पर्य आकर्षणम भी जो है समझ लेना चाहिए इसलिए बता था आकर्षण भी जो है ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं तो जो है हम लोगों को शब्द से आकर्षण करने को तो मालूम ही है ओ, प्रेम से या चिल्ला के कुछ भी जो है आकर्षित कर ही देते हम लोग अन्नवाचक शब्द उच्चारण मात्रे नृप्तिर दृश्यते मगर ऐसा एवं अन्नवाचक शब्द उच्चारण मात्रा तृप्ति न दृश्यते हम दु लोगों को जो अन्न का जो भी शब्द है उसको बोल के केवल जो है तृप्ति होता वो तो दिखाई नहीं पड़ता है तस्मात इसलिए क्या है सृष्टि भी अभी जैसा है वैसा ही सृष्टि काल में भी क्या है वाचो सामर्थ्यम नास्ती थी अनुमेयम तो वाक को जो है अन्न को स्वीकार करने के लिए अन्न को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य है ही नहीं था ऐसा जो है अनुमान करना चाहिए ठीक है प्राणेन घ्राणीन आरभ्य शिष्टाषु षु पर पूर्वत व्याख्येय ये प्राणेन प्राणेन मतलब घाणींद्रिएन उसका अर्थ है प्राणेन मतलब घ्राणींद्रिए हो गया एतद यहां से प्रारंभों के शिष्टातेशु शिष्टात तक शिष्ण जो इंद्रिय के बारे में बताया था वहां तक ये छयों में जो है पर्यायु विषय तो वही है ऐसा ही पूर्व व्याख्या पूर्व जैसा जैसा व्याख्या किया वैसा ही व्याख्या करने है। वो ग्रहण करने के लिए कोशिश किया मगर उससे ग्रहण नहीं पाया। हो पाया यदि ग्रहण हो तो सोम के ही देख के ही इत्यादि जो है, हम लोग अर्थ लगा देना चाहिए नभिप्राण्य अभिप्राण्य इत इत्यर्थ वहां पर एक शब्द का जो अर्थ समझाना है अब अभिप्राण्य एवं बताए अभिप्राण्य एवं प्राण इंद्रिय प्राण इंद्रिय के साथ संबंध करके अभिप्राण्य ये शब्द बनता है वो ढंग से के उसी लिए बता रहे हैं सु क्योंकि प्राण शब्द को शब्द के साथ जो है कुछ विचार विचित्र प्रयोग हो जाता है प्राणायाम करके उसके बाद जो है आचम्य ये ठीक है आचम्य आचमन करके प्राणम्य ऐसा ही होना चाहिए प्राणम्य आचम्य मतलब प्राणम्य मगर मतलब प्राणम्य नहीं है प्राणायामय ऐसा आता है तो वैसा यहां पर भी क्या है आग्रा अभिप्राण्य ये जो है प्रयोग है अत्र अपान शब्देन अन्नस्य से मुख बि मुख विला मुख विलाद अंत प्रवेशन रूपम निगरण कुरन अंतर्मुखो यो वायु सो अभिजीयते यहाँ पर अपान अर्थ में जो है भिन्न अर्थ नहीं समझना चाहिए सामान्य अपान वायु ये शब्द प्रयोग होता है नीचे के ओर जाने वाला गैस को बताते हैं हम लोग गैस को ही अपान वायु ऊर्ध्व गच्छति ढक्कार है अधो गच्छति अपान वायु हो ऐसा जो है प्रयोग भी है श्लोक तो अत्र अपान शब्देन अन्नस्य मुखाबिल बिलाद अंत प्रवेश रूपम ये जो मुख का छिद्र है उसके अंदर जो प्रवेश करने वाला ये जो स्वरूप मतलब निगर अंदर जो है उसको निगलने वाला जो विषय है जो वायु है निगलने के लिए हेतु तो जो वायु है कुरवन अंतर्मुखो यो वायु अंतर्मुख रूपी जो वायु है बहिर्मुखी रूपी नहीं है उसको क्या कहते हैं सो अभिजीयते अपान शब्द उसको अपान शब्द से हम लोग कहते हैं तेन अपानी उस निकलने वाला वायु का जो है अपान वायु से तत अन्नम ग्रही तुम इच्छत उस अन्न को ग्रहण करने के लिए इच्छा किया तथा उसके बाद तत अन्नम आवसत उसको जो है जग्राहिश जग्रहाशितवान जग्राह अशितवान दो शब्द को जो एक साथ जोड़ दिए तो क्या है उसको जो है ग्रहण करने के लिए प्रवेश प्रवृत्ति किया तब वो जो है अन्न को ग्रहण कर दिया अन्नम आवयत 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 जग्राहितवान पर्याय शब्द है तो उसको उसको ग्रहण कर दिया ग्रहण कर दिया मतलब क्या है मतलब आवयत मतलब ग्रहण कर दिया ग्रहण कर दिया मतलब क्या है आशितवान उसको खा लिया ये अर्थ है तो यही जो है यहाँ पर साम आ, मतलब उसका उ, उतना तक का जो अर्थ उद अंतिम जो है उस पंक्ति को यहाँ पर अलग से फिर रहे रहे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वायो एव अन्न ग्रहण साधन निश्चित दार्ध्यार्थम वायु प्रशंसा थी अभी अन्वय व्यतिरेक से वायु वायु वाय। मतलब यहाँ प्राणवायु में भी विशेष करके अपान वायु को जो बताए वायु रूप में क्योंकि वायु प्राण है ऐसा जो है हम लोग वायु अधिकरण में जो है हम लोग सिद्ध करके आए हैं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्राण मतलब यहाँ पर अपान को बता रहे वायु मतलब तो अंडे व्यतिरिकाभ्याम वायु हो एव अन्न ग्रहण साधन तो वायु मात्र जो है अन्न का सामर्थ्य होने वाला है वही साधन है इसको निश्चय करके निश्चित दार्ध्यात्म इसको दृढ़ करने के लिए वायुम प्रशंसाति ये वायु को जो है थोड़ा प्रशंसा करके बता रहे हैं बड़ा जड़ा के बता रहे हैं सईशो अन्नस्य ग्रहो यद्वायु अन्नायु एष यद्वायु इति मुकाविला अंत संचारी वायु इति यदस्ति सएशो अन्नस्य ग्रह ग्राह यह मुखचद्र से जो अंत प्रवेश करने वाला जो वायु है उसको हम लोग अपान वायु कहते हैं वो क्या है अन्नस्य ग्रहो का अन्न का ग्रहण करने वाला आयम अर्थह अस्मत अनुभव सिद्ध इत्यर्थ ये एक अरे ये कुछ व्याख्या करने का जरूरत नहीं हमारा अनुभव सिद्ध है ये आजकल भी ऐसे ही हम लोग भी खा रहे हैं किंच अयम वायु अन्नायु अन्नद्वारेण आयुष्य हेतुरेव तो ये जो ये जो वायु क्या है अन्नायु अन्नायु मतलब क्या है अन्न के द्वारा क्या करता है आयु है, को वर्धन करने का कारण हो जाता है अन्न रसे नहीं प्राणो देह कैसा जो है अन्न आयु कह दिया है क्योंकि अन्न का रस से ही जो है प्राण में प्राण जो है देह में बंधन होता है मतलब आप अन्न खान खाना छोड़ दिया तो आपका जो प्राण का शक्ति जो क्षीण हो जाता है तो ये जो है अनुभव सिद्ध है अत एव वाजस्नीनः शिशु ब्राह्मणे प्राणाव प्राण वर्णन प्रस्थावे प्राण वर्णन प्रस्थावे अन्नं दाम इति वाक्येना अन्नस्य प्राणबंधन रज्जु रज्जुत्वं आमनन्ति तो यहां पर वाजनयनी में शिशु ब्राह्मण में क्या बताए थे ये प्राण को जो है वर्णन करने के समय उस अन्नम दाम अन्न ही जो है उसका दाम उसका जो है आधारभूत तो स्थान है ऐसा इति वाक्य ने इस वाक्य से अन्न से प्राण बंधन रज्जुत्व महामंती अन्न क्या है प्राण को बांधने वाला एक रस्सी जैसा है तो वैसा वहां पर वो लोग कहते हैं तथा वैसा ही क्या है अन्नबंधन शैथिलिये ये जो अन्न से उसको बांधने का मतलब प्राण को बांधने का जो है वो जो टाइट बांधने का गांठ जो है थोड़ा शिथिल हो गया तब क्या होगा सती उस तब जो है जीवस्य देह परित्यागम सदृष्टांतं वमन्ति जीव जो है देह को छोड़ के जाना पड़ेगा उसको उदाहरण सहित तो बताते हैं तब यथा आम्रम वा उदुम्रं वा पिप्पलं वा उदुम्रं पिप्पलं वा बंधना प्रमुच्यते एव एव अयम पुरुष ये इति जैसा जो है भिन्न भिन्न लकड़ी को जो है आप घाट में बांध रहे तो जो है तब एक लकड़ी यहाँ से निकाला वहां से एक लकड़ी निकाल दिया वैसा हो गया तो थोड़ा शिथिल हो गया तो वो पूरा जो है खुल जाता है तो वैसा ही यहाँ पर भी जो है बिखर जाता है वैसा यहाँ पर भी जो है ये प्राण बंधन जो है उससे बांधा नहीं तो अन्न से प्राण को जो है बांधा नहीं तो क्या हो जाएगा पुरुष भी भी अंगों से जो है वो निवृत्त हो जाता है वो देखते हैं मतलब जब जो है अन्न नहीं है प्राण का बंधन नहीं है तब आ कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या है दिखाई नहीं दे रहा क्यों दिखाई नहीं दे रहा क्यों सुनाई दे दे रहा है अन्न अन जो है प्राण जो है वहां पर नहीं है तो प्राण तो है देखो मेरा पास प्राण है तो आजकल एक और जो है एक और नया नया सिद्धांत तो मतलब हम लोग ये योग को जो है एक अंक में जो है लेके गया तो विदेशी लोग उसको पैक करके जो है दूसरा ही ढंग में कुछ भी बोल के जो दूसरा ढंग में जो उसको प्रचार करने लग जाते हैं जातेजी ऐसा ब्रीथनेस ब्रीथनेस कुछ ऐसा जो है एक ग्रुप है मतलब तो वो क्या मानते हैं उनका सिद्धांत क्या है ये प्राणायाम करके करके ही जो है आप जैसा जो सर्पा कल देखे थे सर्पा अभी तक मुझे समझ में नहीं आया सही में मतलब किस 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 स्वरूप में जो सांप जो है हवा को खा के जी लेता है ये जो है बता नहीं सकते क्योंकि यदि आप जो एक अंश को बता रहे तो ठीक है उसको स्वीकार कर सकते हैं जैसा जो है चंद्र किरण का जो है ग्रहण भी करता है सांप कब वो जो पूर्णिमा का दिन जब वो एक दूसरा शाम के साथ जो है वो क्रीड़ा में रहता है तब चंद्र किरण ही उसका जो है अन्न है ठीक है वो ऐसा अर्थ ले सकते हैं दूसरा वो पूर्णिमा पूर्णिमा के के नज़दीक में कहते हैं मगर मैं जो है देखा हूँ जो शीट तीन शीट लगा रखा हूँ उसमें जो आयन आता है उसमें घुस के घुस के जो है अपना शरीर का जो ओ को जो निकालता है वो। तो उस समय जो है वो एक सेफ स्थान ढूंढता है और उस समय उसको खाने के लिए कुछ नहीं है तो तो क्यों क्यों क्योंकि इसके बारे में सोचा तो क्या है ऐसा वायु खा के ही जीलेगा बोल के बोलना है क्योंकि ये ये सब जो है जैसे कल बताया था ये सब जो है भोग भूमि है तो इसको जितना भी जो है अन्न दो तब भी जो है खाएगा ही तो उस समय जो है अन्न होने से भी वो खाएगा नहीं अन्न बगल में रहने से भी जो है उसको खाए नहीं उसको पाना है तो ऐसा अर्थ में हो सकता है यहाँ पर क्या है ये जो अन्न पिप्पल इत्यादि जो बांध से से मतलब यहाँ पर जो है वो शीतलता प्राप्त हो जाता है हम लोग देख ही रहे हैं जो अन्न नहीं खाने से जो है वो ये प्राण वो ब्रीत या जो भी है उन लोगों के बारे में बता रहा था वो लोग क्या मानते हैं प्राणायाम करके करके ही जो है आप अन्न को छोड़ सकते पूरा बिना अन्न जो है आप जी सकते पूरा बिना अन्न आप जी सकते प्राणायाम करने से मात्र जो है काफी है तो उसपे भी जो है बहुत से बवाल है कुछ लोग कहते हैं इसमें कितने लोग मरे हैं उसके बारे में ये लोग नहीं कहते हैं तो केवल जो है जो जीने वाले के बात ही कह रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हो वो तो कुछ बाल, किसी को मालूम नहीं है तो इसलिए जो है ये झूठ है उसे स्थापित करने के लिए एक और ग्रुप वहां से निकल गया हम लोगों को कुछ करने का जरूरत तो नहीं है मगर क्या है अन्न बंधन प्रयुक्त अन्नबंधन से प्रयुक्त क्या है प्राण अवस्थान से अन्न के कारण बंधन बंधन होता है जो प्राण उसका अवस्थिति आयुर्तुत्तम तो 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 लोके प्रसिद्धम वो ही जो है वो प्राण रहने से ही जो है ये रहता है। मतलब है? जीवित रहता है आयु मतलब क्या जीवित और वेद में भी बताया है जो है गलत हो जाएगा। मतलब लोके प्रसिद्ध तो लोक में भी ये प्रसिद्ध है उसी को कौशिती उपनिषद में बता रहे हैं या वही अस्मिन शरीर प्राणो वसते जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक वो जीवित है तब तक उसका आयु है प्राण निकल गया तो आयु भी निकल गया है तो उसका आयु खत्म हो गया कहते हम लोग तदेत सर्वम अभिप्रेत्य अन्नायुर्वा एश इत्युच्य इसको सब जो है मन में रख के अन्न आयुर्वा एश प्राण है ऐसा करके यहाँ पर हम लोग को कहा है टीका आन मुद्री टीका शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवता उपाधिक न स्वतः आत्मन अभिप्राए न तो प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पर एक और बात हो रहा है शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवता उपाधिक न स्वतः आत्मन अभिप्राए न शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय और देवता उपाधि के लिए होता है आत्मा को नहीं है जैसा वो पहले जो बताए थे आपको जो द्वितीय खंड का अंतिम पंक्ति में जो बताए थे उसी मतलब वो जो है दीपिका दीपिका इत्यादि बताए तो वो सब जो है दीपिका का, का विषय नहीं है ये जो अंतिम है इन्हीं का विषय है यहाँ पर बताए है वो शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवता उपाधिकम न स्वतः आत्मा हा। वो जो है इंद्रिय और देवता का उपाधि रूप में है आत्मा स्वतः नहीं है पेज नंबर तीस में पहले पंक्ति है ऊपर इति अभिप्राय इस अभिप्राय से तेजा शब्दादि भोग मुक्त इधानी भोग मुक्त हाँ, 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 इधानी अन्नपान भोक्तृत्व अपि अपान वृत्ति मृतति मत प्राण उपाजिकं न स्वत आत्मनः इति अभिप्रायेन तस्या भोक्तृत्वं परिशेषेय स्पर्शेषात् निर्धारितं आह तेषां शब्दादि भोगं उक्त्वा उसका शब्दादि का जो भोग को विषय के बारे में बता के इदानीं अभी क्या है अन्नपान भोगृत्वं अभी ये अन्न और पान का जो है भोग 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 भो, 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 भो भी क्या है भोक्तृत्व भोगना भी क्या है अपान वृत्तिमत प्राण उपाधिकम को जो है मतलब शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रोत मात्र काफी है दूसरा कोई इंद्री से ग्रहण नहीं मतलब जैसा यहां पर बताए थे अन्न को वो ग्रहण करने के लिए भाग है ये ग्रहण करने के लिए भाग है वैसा जो है शब्द विषय को आंख ग्रहण करने के लिए भागा वैसा भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं यहां पर बताए नहीं ये सब कल्पना ही है <coughs> तो हम और एक कल्पना कर हैं शब्द को ग्रहण करने के लिए यह सब भागे मगर कान सिर्फ जो है ग्रहण किया इसलिए कान ही जो है उसको ग्रहण कर सकता है ऐसा करके हम लोग एक और व्याख्या कर सकते हैं हर एक इंद्रिय के विषय के लिए तो यहाँ पर अन्न को ग्रहण करने वाला भोक्ता कौन है क्योंकि वो भी भोक्तृत्व ही है शब्दादि विषय भोक्तृत्व वहां पर यह अन्न भोक्तृत्व इसलिए प्राण उपाधिक वो भी कौन करेगा प्रा, प्रा, अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिकम प्राण उपाधि ही यहां पर जो है इसको ग्रहण करेगा प्राण उपाधि सामान्य प्राण सबका जो है सामान्य ना, सामान्य नाम है तो जैसा वृत्ति है जैसा मन कह देते हैं, हम लोग मन कह देते हैं मन मतलब क्या है वृत्ति कह देते हैं वृत्ति मतलब किस वृत्ति को कह रहे काम संकल्प चिकित्सा ये सब वृत्ति को जो है मन कहते हैं हम लोग वैसा यहां पर भी प्राण सबका नाम प्राण ही है तो वहां पर किस प्रकार का प्राण ये जो है प्राण प्राण प्राणवत प्राण अपान प्राण तो ऐसा करके वो किस वृत्ति का रूप में जो प्राण को देख रहे हैं या अंतकरण भी जो है अंतकरण किस अंतकरण को मन वृत्ति अंतकरण बुद्धि बुद्धिवृत्ति अंतकरण करण वृत्ति अंत ऐसा करके हम लोग वेद करते जैसा जो है यहां पर कहते हैं अपान वृत्ति मत प्राण अपान वृत्ति वाला अपान वृत्ति मत मतलब अपान वृत्ति वाला जो प्राण है उसके बारे में बता रहे न स्वतः भी जो है अन्न का भोक्ता भी आत्मा स्वयं नहीं है शब्दादि का भोक्ता जैसा जो है आत्मा नहीं है तब तक इंद्रिय है वैसा ही अन्न का ग्रहण भी अपान वृत्ति मत प्राण ही है आत्मा नहीं है तस्य तोक्तोत्तम परिशेषा कौन भोक्ता है उसमें ये अपान प्राण अपान प्रवृत्ति मत प्राण तो ही तो है तो वो कैसा मालूम है ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया करके सबको हटा के पारिशेशिया हम लोग को सिद्ध कर रहे यही बाकी बचा है इसी के द्वारा ग्रहित होता है वो तद एनत <coughs> क्या है और हाँ वही तो पहले बहुत बता दिए ना उसको हाँ वो तो पहले बता चुका है मैं बाबू उत्तर तो जो है स्वरूप में बता दिया ठीक है कोई बात नहीं स्व स्वता स्वतः आत्मा नित्य अभिप्राय आत्मा स्वयं जो है नहीं है तस्या भोक्तृत्व तो मतलब वो प्राण वृत्ति ही भोक्ता है न आत्मा न स्वता आत्मा न भोक्तृत्व तो तो ये जो है वहाँ पर बताए है ये परिशेष से निर्धारित कर रहे ठीक है, है। तद एनत अन्नम लोक लोकपाला पाल अन्न अर्च्य अन्नार्थी अभिमुखे सिष्टं सथ लोकपालान नाम, लो नाम कहाँ से है वैसा अच्छा हाँ ठीक है लोकपालान अर्थ अभिमुख लोकपाला नाम अर्थ अभिमुख ठीक है कोई दोष नहीं है तदेनत अन्नम लोक लोकपाललान अर्थ्य अभिमुखे सृष्ट सत तो ये अन्न किस लिए किया है लोक और लोकपाल के लिए किया है यहां पर स इमे ईक्षते इमे नो लोकाश्च लोकपालाश्च वैसा उसका अर्थ में जो लोकपालान्च ऐसा ले, ले सकते कोई दिक्कत नहीं सृष्टम अभिमुखे सृष्टम सत तो उनके सामने जो है इसको सृष्टि करके रख दिया वो अन्न को लोक और लोकपाल के सामने रख दिया उनके सामने अभिमुखे उनके अजिघान सत्या है तो सृष्टि किया है अभिमुखे उसके और, और जब सृष्टि करने के बाद जो है वही तो जो क्या हो गया परांग सद वो जो है भागने के लिए पलायन करने के लिए जब पला परांग, परांग सत, ओ जो है न, करके एकदम जोड़ दिया है वहाँ पर समझ लाना चाहिए तत, ओ जो करने वाला अन्न उसको क्या है परांग वो जो है भागने चालू कर दिया परांग मुख करके भागने चालू कर दिया सत तब जो है अति अजिगत उसको जो है दौड़ के उसको ग्रहण करने के लिए ये प्रवृत्ति किया ऐसा अन्वय करके यहाँ समझ लेना चाहिए वहाँ पर बताया नहीं है वो समझ लेना चाहिए उक्तार्थे दृष्टान उस अर्थ में जो है दृष्टान्त यहाँ पर बताते हैं देखते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति।